हमेशा देखा जाता है कि जब तक कोई हादसा नहीं होता है तब तक प्रशासन खामोश बैठी रहती है। हर साल की तरह इस साल भी गर्मी का मौसम आते ही महानगर की गलियों, सड़कों और चौराहों पर धड़ल्ले से ठंडा नींबू पानी बिकना शुरू हो गया है। तो बहुत दिनों से पापा लगा देते थे, उसके बाद हम लगा रहे हैं। सोडा में नींबू, मसाला, नमक, मीठा बर्फ दे के बनाया जाता है। सोडा वाटर में होगा आपको मीठा, मसाला, दलजीरा, मीठा, आइस। जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि कोलकाता नगर निगम की तरफ से खाने पीने वाली चीज़ों के इस्तेमाल में इंडस्ट्रियल आइस का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई है, वहीं दूसरी तरफ नींबू पानी बेचने वाले धड़ल्ले से इंडस्ट्रियल आइस का इस्तेमाल करके शरबत बनाने का कार्य जारी रखे हैं। देखिए, ये इतना बड़ा शहर में कुछ कुछ जगह है जहाँ फ्लोटिंग पब्लिक, माइग्रेटेड पब्लिक आता है। ये देखिए, कलकत्ता में नगर निगम के अंदर आप जादवपुर कस्बा से शाम बाजार तक आप जाएगा, यहाँ पर अब जो आप वहाँ पर आप नहीं देखेगा जी इंडस्ट्रियलाइज शरबत में नींबू पानी में बेच रहा है। लेकिन मेनली धर्मतला, डलाउसी, पार्क सकास, बड़ा बाजार, इस जो महान जगह है यहाँ पर कुछ पब्लिक है, कुछ आदमी है जो लोग बेच रहा है, कुछ एजेंसी है जो लोग ऐसा गाड़ी बनाता है, और कुछ कुछ लोग जो काम की धंधा में यहाँ पर माइग्रेटेड होके आता है वो लोग को गाड़ी देता है। वो लोग को कुछ मालूम ही नहीं है, वो लोग बात भी कर सकते नहीं। एवं हम लोग जब ड्राइव किया तब देखा जो खुद किससे गाड़ी मिला है, किसके लिए वो काम कर रहा है उसको मालूम नहीं है। तो इसलिए हम लोग डिसीजन लिया कि अभी हम लोग ड्राइव चालू करेगा, तो इस बार में हम लोग को अगले ड्राइव में, हम लोग अगले साल का ड्राइव में तो हम लोग वो जो आइस इंडस्ट्रियल आइस है उसको डिस्ट्रॉय किया, उसको ध्वंस कर दिया। लेकिन ये साल हम जो कार, जो गाड़ी जिसमें शरबत बेच रहा है वो भी हम लोग बाजेयाप्त करेगा। नवीस अनपढ़ लोग को देखिए रास्ता में बेच रहा है, वो लोग को हम सतर्क कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, जो वो लोग जो पैसा देके जो गाड़ी बना है वो गाड़ी हम लोग सीज कर देगा, सीज कर लेगा, हम लोग निकालेगा। जब जहाँ भी इंडस्ट्रियलाइज देखेगा और जो बेच रहा है उसको गाड़ी हम लोग सीज कर लेगा।